बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 349वां दिन 19 ज़िलहिज्जा। नंबर 1 इस्लामी तारीख, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह। आपका नाम मोहम्मद, लकब जलालुद्दीन और मौलाना रूम के नाम से मशहूर है। बल्ख में 6 रबीउल अव्वल सन 604 हिजरी को पैदा हुए। आपके वालिद शेख मोहम्मद बहाउद्दीन अपने जमाने के बड़े आलिम और मशहूर बुजुर्ग थे। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। बादशाह वक्त के किसी बात से नाराज होकर वहां से शेख बहाउद्दीन अपने बेटे जलालुद्दीन को लेकर कौनिया चले गए। उस वक्त जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह की उम्र 18 या 19 साल थी। आपने कौनिया में तकरीबन 8 साल मुख्तलिफ असाज़ा से इल्म हासिल करते हुए मुल्के शाम के इल्मी शहर हल्ब का रुख किया और मदरसा हलाविया में रहकर शेख उमर बिन अहमद और बाद दूसरे मदारिस के माहिर व मुमताज़ उलमा की खिदमत में रहकर तमाम उलूम में मुकम्मल महारत हासिल की। उस वक्त मौलाना जलालुद्दीन की उम्र 40 साल हो चुकी थी जब उनके वालिद मोहतरम की वफात पर सैयद बुरहानुद्दीन तरमुस से उनकी ताज़ियत के लिए तशरीफ लाए तो उनका इम्तिहान लेकर फरमाया कि बस अब इल्म बातिन रह गया है, तुम्हारे वालिद की अमानत अब मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। चुनांचे 9 साल तक मौलाना रूमी ने उनकी सोहबत में रहकर इल्म बातिन और मारफत व सलूक के मरातिब तय कर लिए। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। सितारे। रात में खुले आसमान पर बेशुमार सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। उन सितारों की चमक और रोशनी से आसमान बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। खुद अल्लाह ताला फरमाता है, हमने आसमान दुनिया को रोशन चिरागों से जीनत अता फरमाई। ये कितनी अजीब बात है कि हजारों साल से करोड़ों सितारे आसमान पर ऐसे जगमगा रहे हैं कभी रोशनी खत्म नहीं होती। लोग उन सितारों के जरिए रास्ते और मंजिल की सिमत मालूम कर लेते हैं। आज की तरक्की याफ्ता जमाने में भी रात में जहाज के कप्तान सितारों की मदद से रुख मालूम करते हैं। उन सितारों का बराबर चमकना और वक्त मकररा पर निकलना अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानी है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, तकदीर पर ईमान लाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज तकदीर से है, यहाँ तक कि आदमी का नाकारा और नाकाबिल होना और काबिल व होशियार होना भी तकदीर से है। फायदा, तकदीर कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा, वो सब अल्लाह के हुक्म और उसकी मशीयत से है। इसको अल्लाह ताला पहले ही तय कर चुका है। हमारे ऊपर उसका यकीन रखना और उस पर ईमान लाना फर्ज है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, खुशबू को रद्द नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खुशबू का हदिया दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रद्द नहीं फरमाते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, हाजी से मुलाकात करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी हाजी से मुलाकात हो तो उसको सलाम करो और उससे मुसाफहा करो और उससे घर में दाखिल होने से पहले अपने लिए दुआए मगफरत की दरख्वास्त करो, क्योंकि वो अपने गुनाहों से पाक को साफ होकर आया है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, मुसलमानों के कत्ल में मदद करने की सजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को कत्ल करने में मदद करे अगरचे एक लफ्ज बोल कर ही हो, तो वो कयामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसकी पेशानी पर लिखा होगा कि ये शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम है। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया से बेरगबती पैदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का जिक्र दुनिया से बेरगबत करने और आखिरत की तलब करने के लिए काफी है। नंबर 8, आखिरत के बारे में, अहले जन्नत का इनाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा होंगे, अपने नेक आमाल की वजह से खुश होंगे, ऊंचे ऊंचे बागों में होंगे,
वो उन बागों में कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, उनमें चश्मे बह रहे होंगे। नंबर 9, खुतबे नबवी से इलाज, तलबीना से इलाज। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा बीमार के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि तलबीना बीमार के दिल को सुकून पहुंचाता है और रंजो गम को दूर करता है। फायदा, जौ को कूट कर दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए उसमें शहद डाला जाता है, जिसे तलबीना कहते हैं। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को इस बात पर गौर करना चाहिए कि उसने कल आखिरत के लिए क्या आगे भेजा है। अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह ताला को तुम्हारे सब आमाल की खबर है।